Assalamualaikum. सना आप बोल रही हो क्या? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हाई फोर काशिफ के न्यू व्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। सो गाइस, आ गए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग प्रैंक के साथ में। गाइस आज इतनी मजा आने वाली है क्योंकि मेरे को गालियां पड़ने वाली है, मैं मार खाने वाला हूँ। मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ से घर जाऊंगा तो मेरे को डैडी बहुत मारेंगे। और क्यों मारेंगे आपको हाइफा बताएंगे। सो गाइस, अभी हम करने जा रहे हैं प्रैंक कॉल, वो भी डैडी के ऊपर, क्योंकि इससे पहले हाइफा ने प्रैंक कॉल किया था जिशान पे, फेल हुआ था ना वो। हाँ, फेल हो गया। तो बहुत कमेंट और मैसेजेस आए क्या काशिफ के घर वालों पे, मतलब काशिफ के डैडी पे या भाई पे, आपा लोग पे। तो आपा लोग तो प्रैंक बहुत मजा आने वाली है गाइस। हम लोग करने वाले है प्रैंक कॉल और वो भी डैडी के ऊपर। डैडी का क्या रिएक्शन होगा, क्या बोलेंगे, मैं तो अभी से वही सोच के एकदम। और गाइस, काशिफ लड़की की आवाज में बात करिए। काशिफ जरा बात करो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़नीन आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रही लड़की, जैसे आवाज नहीं लग रही है। किसकी? आपकी। अस्सलाम वालेकुम अक्षर। हाँ सही है। जबरदस्त। गाइस आप लोग बताओ, ये लड़कियों की आवाज नहीं लग रही है? गाइस तो जैसे आप लोग बताओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबका स्वागत है। हाइफा से मैं बहुत प्यार करती हूं। डैडी नहीं समझ पाएंगे। डैडी नहीं समझेंगे। डैडी तो ठीक है, कैसा है मालूम? डैडी ने मुझे कॉल किए, पूछे किधर है। मैंने बोला नहीं आओ, आगे मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, डैडी लाल बटन दबा देते। डैडी को लाल बटन दबाना इतना पसंद है। आपा लोग को कॉल आया, आपा लोग कॉल करेंगे, हाँ डैडी कहाँ हो? हाँ घर पे हो। जैसे लोग आगे पूछेंगे ना कि डैडी खाना अब फट से कट, तो डैडी नहीं समझेंगे। बस इतना रहेगा कि गालियां भी लेना देते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और अक्षत के फोन से कॉल करेंगे। क्या रहेगा पहले वो भी तो बता दो कि हम बोलेंगे। गाइस प्रैंक ये है डैडी के ऊपर कि एक लड़की है यूट्यूबर काशिफ को देखी है उसने, इन्फ्लुएंसर काशिफ को देखी है, और ये कि काशिफ उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है और वो शादी करने के लिए बात करेगी। लेकिन इसमें ट्विस्ट तो ये है, काशिफ ऑलरेडी शादी शुदा है। नहीं गाइस नो, ये दीदी झूठ बोल रही है, ये दीदी झूठ। नहीं गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउडली मैरिड। तो गाइस चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बोल के डैडी को कॉल करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अक्षत के फोन से फोन करेंगे क्योंकि डैडी के पास अक्षत का नंबर ही नहीं है। वैसे तो हम हमारे वो वाले नंबर से भी कॉल कर सकते हैं जो नंबर से हम सबको कॉल करते हैं, लेकिन अक्षत का नंबर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे। ये भी ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी होगा वो तुम झेलना, ठीक है? मैं क्या झेलूं? और गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, 100 के होने वाले। फिर आप लोग बाद में बोलोगे हम लोग 100 के में आप शामिल नहीं थे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। सो गाइस अभी अक्षत के फोन से हम कॉल करने जा रहे हैं। धक 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 ना, लो नंबर टाइप करो। मैं मेरे को मेरे दादी का नंबर मुंह ज़बानी याद है। कैमरे में मत दिखा देना बस। अरे ये मेरे दादी का नंबर है। चलो उल्टा पकड़ो, उल्टा। हाँ आवाज। बजरी एडिडी उड़ा, डैडी फोन नहीं उठा रहे। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो हाँ हेलो हेलो, बोलिए जी। कौन बोल रहा है? आप काशिफ की डैडी बोल रहे हो? काशिफ के, हाँ काशिफ के बाप डैडी बोल रहे हो जी। तुम अपनी आवाज़ थोड़ी बढ़ाओ। अच्छा हेलो, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। नाम बताओ अपना। अरे मैं ना आयशा बोल रही हूँ। कौन आयशा? अरे मैं ना काशिफ को बहुत पसंद करती हूँ, लाइक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। अच्छा जी, काशिफ भी किसी को अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा बोलो, आप मेरी उनसे बात करा सकते हो या उनका नंबर दे सकते हो क्या? बहुत मुश्किल से। तो वो, अरे डैडी आपको वही तो बता रही हूँ मैं। आ, बताओ ना। डैडी बोल रहा है इसका। मेरा नंबर आपको किसने दिया? डैडी आपको मैं क्या बोल रही हूँ आपको पता है? आ, मैं तो सुन रहा हूँ ना, काशिफ का नंबर आप मान रहे हो जी। मैं पूछ रहा हूँ मेरा नंबर किसने दिया?
मैंने अब मैं कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मेरा नंबर ऑनलाइन तुमको कहीं मिल जाएगा। आपका सुनिए ना डैडी, आप सुनिए ना, मैंने आपका वीडियो देख के है ना बहुत ही मन्नतो मुराद से आपका नंबर निकाली हो, और बस अच्छा। आप मेरी काशिफ से बात करा दीजिए ना बेटा। जिस मन्नतो मुराद से तुमने मेरा नंबर निकाला तो थोड़ी और मन्नतो मुराद को तो काशिफ का नंबर मिल जाएगा। इट्स सिंपल। यस मुझे काशिफ बहुत पसंद है। पहले आप ये बताओ मेरे को, मुझे काशिफ बहुत पसंद है। अच्छा पसंद है तो क्या करना है तुमको? पसंद है तो मुझे उनसे शादी करना है। आप उसका वीडियो देखते हो? हाँ तभी तो बोल रही हूँ। प्लीज डैडी, आपको तो मैं डैडी बोल सकती हूँ। सुनिए ना, इसलिए तो आपको भी मैं डैडी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा तो डैडी बोलने से क्या होता है, शादी हो जाती है। अरे क्या? मेरा और उनका रिश्ता जुड़ चुका है डैडी। मैंने उनको अपना हस्बैंड मान चुकी हूँ, नो मैटर कि उनकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है। अच्छा। बोल मैं बहुत दूर रहती हूँ, ऐसा ही बोलो कि मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैं ना बहुत दूर रहती हूँ यहाँ से, आपको पता है बहुत दूर, लेकिन उनका प्यार मुझे ना आप तलक खींच लाया डैडी। आपको एक सरप्राइज करूं, मैं एक बात बताऊं? आप बताओ, जरूर बताओ। मैं भी गुजराती हूँ। तो क्या हो गया गुजराती है? डैडी बस आपकी दुआएं चाहिए, डैडी आपकी बस, डैडी आपकी बस दुआएं चाहिए। आप लोग सिर्फ मुझे दुआएं दो तो मैं काशिफ से शादी कर लूंगी, कर लूंगी। अभी अभी उसकी शादी कुछ 2 महीने 3 महीने नहीं हुए और तुमको शादी करनी है, दिमाग खराब है क्या? एक मिनट आप मेरे भाई से बात कीजिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। पर्सनालिटी। हेलो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, बोल क्यों रहे हो? हेलो। अरे मेरी बहन, अगर आपसे कह रही है खालू कि आपकी बेटी से शादी, बेटे से शादी करना है तो आप करा नहीं सकते हो? मैं कैसे करा सकता हूँ? अरे मेरी बहन ने आज तक कोई शौक नहीं मारी है और अब इसका शौक मारू मैं? हाँ तो मेरा बेटा मेरे बोलने से चप्पल नहीं पहनता। बस आप दुआ दे दो, बाकी का हम लोग देख लेंगे कैसा उठा के शादी। मैं क्या बोला, मेरा बेटा अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी को तो वो चप्पल भी नहीं देता है, शादी करना तो वो दूर की बात है, वो जो करता है अपनी मर्जी से करता है। यार तो तुमको अगर उससे शादी करने का शौक है तो मैं उससे ही बात करो, उससे ही बात करो ना। अभी एक चीज करते हम लोग, तुम्हारे बेटे को उठा ही लेते हैं, ठीक है? अरे वो हलवा है। हेलो दूध पाओ, दूध पाओ, दूध पाओ। भाई हमारी फैमिली में भी कब सही था, नहीं कभी शरीफ है क्या? अच्छा फालतू की बातें मत कर भाई। हेलो डैडी, ये बता तू। हेलो डैडी, हेलो डैडी, आप क्यों भाई, आप चुप बैठो ना, डैडी ये मेरी ससुर है। हाँ आपको कोई बात का बुरा तो नहीं लगा ना मेरे भाई की? बुरा ही लगेगा ना बेटा, बुरा ही लगेगा। तुम अच्छे से बात कर रही, जब से उनको व्लॉग में देखी हूँ ना तो मैं अपने घर के पर्दे के कलर सोचने लगी हूँ, मैं पागल सी हो गई हूँ। अगर मुझे काशिफ नहीं मिले तो मैं जहर खा लूंगी। लगता है अपने बेटे से आप बहुत नाराज हो। अच्छा सुनिए ना, अभी मैं आपसे एक डायरेक्ट काशिफ का वीडियो आपको देखा है, आप काशिफ को देखे ना।
आप मेरी काशिफ से शादी कराएंगे या नहीं? नहीं नहीं, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। अच्छा, तो अभी इस पे एक बात बताऊं आपको मैं? मैं सुसाइड करूंगी, जहर खाऊंगी, और उसमें आपका, काशिफ का, और वो कौन है उनके साथ, उनकी वाइफ, उनका सबका नाम डालूंगी, सबको मैं जेल पहुंचाऊंगी। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अपनी जान पे जाएगी। वजह बताऊं? मेरे फोन में रिकॉर्डर ऑन रहता है। अच्छा, तो तुम्हारी जितनी बातचीत है ना, ये रिकॉर्ड हो गई है। अच्छा, अरे बाप रे, तुम बात करो, तुम बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हो? आप कौन बोल रहे हो? परेशान मत करो, हेलो, हाँ मेरी बहन है ना, तुम्हारे भाई को पसंद करती है, ठीक है? और अगर उसने पसंद कर ली है तो बात खत्म, चाहिए मुझे काशिफ बहुत पसंद है, मेरे को उनसे बहुत प्यार है, आप मेरी उनसे शादी करा दो ना प्लीज। मैं उनसे दूसरी शादी करने के लिए रेडी हूँ। नहीं, लेकिन हम नहीं रेडी है बहन, आप जो भी हो प्लीज आपको समझ दो, इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो सुनो सुनो, तो अब है ना, मैं जो सुसाइड नोट है ना उसमें आपका भी नाम लिखूँ, ठीक है? बताना नहीं लोगों को, प्रैंक ऐसे खत्म कर दो। अगर मैंने तुमको, तुम्हारे भाई काशिफ को, तुम्हारे डैडी को, सबको अगर सलाखों के पीछे नहीं भेजा ना मेरे सुसाइड केस में, तो बोलना बाय। अगर पता चलता काशिफ तुम्हारी तो खैर नहीं किया। आगे मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ, तुम सब झेलना, पागल औरत। तो क्या होएगा तुम्हारा, तुमने डरा है काशिफ, तुमने डरा है, तुम लोग दोनों का, तुम लोग दोनों की बताना नहीं है, मैं तो पिक्चर का क्या, इन लोग दोनों का काम। वीडियो में तुम दिख रहे हो, नहीं नहीं मेरे को मत बोलना, प्रैंक बना है तुम लोग ने, मेरा क्या है ब्रो, क्या गुस्सा हुई हो लास्ट में। लेकिन आइडिया काशिफ भाई का था, आइडिया तो काशिफ भाई का था ना।